हेलो एवरीवन, 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी का इस मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 4 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की संख्या है 40 और कट ऑफ है 33 और ये वीडियो बायलिंगुअल रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में। ये सिलेबस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया गया था टेस्ट सीरीज संख्या 4 का। उम्मीद करता हूँ कि आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए। आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। पहला प्रश्न है, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी Z5T W8Q Q14K का अगला पद क्या होगा? What will be the next term in the series of digits and alphabets of Z5T W8Q and Q14K? So इसका आंसर वीडियो के अंतिम भाग में मिलेगा, आप इसको वीडियो खत्म होते होते इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, 18 18 18 18 18 का प्रसरण क्या होगा? What will be the range of 18 18 18 18 18? इसका आंसर भी वीडियो के अंतिम भाग में मिलेगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। खजुराहो मंदिर निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था? खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ Which of the following dynasties? The right answer is option number C, चंदेल। और ये राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा was built by whom of the following? The right answer is option number A, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये एक मस्जिद है दिल्ली में। वह पहला भारतीय शासक कौन है जिसने भारत में फारसी नववर्ष नवरोज मनाने की शुरुआत करवाई? हु इज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द पर्सियन न्यू ईयर नवरोज इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, बिकॉज द राइट आंसर इज गियासुद्दीन बलबन। और ये स्लेव डायनेस्टी से थे दिल्ली सल्तनत के। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने राजस्व के निर्धारण के लिए सिद्धांत के रूप में भूमि की माप शुरू की? हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु इनिशिएटेड द मेजरमेंट ऑफ लैंड एज द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द रिवेन्यू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर की शुरुआत की जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस्ड एन इरिगेशन टैक्स कॉल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हक ए शर्म। महाबलीपुरम का सात रथ मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? द सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सही जवाब है नरसिंह वर्मन द्वितीय, प्रथम नहीं। और ये एक पल्लवा रूलर थे, सातवीं शताब्दी में बना था ये। कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, को बसाने का श्रेय नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है, लेकिन जो सात रथ मंदिर था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने कृषि मंत्रालय दीवाने कोही की स्थापना सबसे पहले की थी? Whom of the following medieval ruler was the first to establish Ministry of Agriculture? दीवाने कोही। The right answer is option number C, मुहम्मद बिन तुगलक। It was established to bring barren land under cultivation. किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? Coins of which Muslim ruler has image of Devi Lakshmi? The right answer is option number A, Muhammad Ghori।
प्रसिद्ध ओदंतपुर विहार की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फेमस ओदंतपुर विहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ओदंतपुर को ही इन दिनों बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। मिथिला में कर्णाट वंश की स्थापना करने वाले नान्य देव की राजधानी कहाँ थी? नान्य देव हु फाउंडेड कर्णाट डायनेस्टी इन मिथिला हैड हिज कैपिटल एट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सही जवाब है सिमराव और ये चंपारण के अंदर था, इसीलिए सिमराव राजवंश के नाम से भी कर्नाट वंश को जाना जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा है? विक्टोरिया वाटरफॉल इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जाम्बेजी नदी। और ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। इसी नदी पर करीबा डैम भी बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आबद्ध यानी लैंडलॉक देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक कंट्री? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक मोर देन वन, क्योंकि बोलीविया भी सही है और पैराग्वे भी सही है, बोथ आर राइट। लेट्स सी द मैप। ये देखिए साउथ अमेरिका का देश है ये दोनों, यहाँ है देखिए बोलीविया लैंडलॉक कंट्री और यहाँ भी है पैराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है। तो साउथ अमेरिका में सिर्फ दो ही कंट्री है जो कि लैंडलॉक है, बाकी का कनेक्शन सी से है। और ये न्यूज में था बोलीविया, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी बोलीविया के दौरे पे गए थे मार्च 2019 में और 8 MOUs पर सिग्नेचर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सुगर कैन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। और यहाँ पर 739,300 ट्रिलियन मैट्रिक टन उत्पादन होता है और भारत जो कि दूसरा स्थान रखता है उससे दोगुने से भी ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में। डिंका जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? डिंका ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साउथ सूडान। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के जल निकायों को जोड़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट वाटर बॉडीज ऑफ जावा सी एंड इंडियन ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि, और ये इंडोनेशिया में है। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना, प्रिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, दैट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच इज मेंशन्ड इन द प्रिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैनॉट बी चेंज्ड। भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय द स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा? विच आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सही जवाब है आर्टिकल 1, पहला अनुच्छेद। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को लागू करने के पीछे कौन सा कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन बिहाइंड इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991? सी द ऑप्शन केयरफुली, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई,
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, क्योंकि सभी सही जवाब है, ऑल आर करेक्ट। एक एक करके देखते हैं। राइज इन प्राइसेस, महंगाई बढ़ गई थी 6.7% से लेकर के 16.7% तक। फिस्कल डिफिसिट बहुत ज्यादा हो गया था, टोटल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती थी उसका 36.4% इंटरेस्ट लाइबिलिटी था। उसके बाद इराक युद्ध जो हुआ उससे हुआ क्या कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। और 1986 और 87 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 8151 करोड़ रुपये था, वो 89-90 में 6252 करोड़ रुपये तक रह गया था, जो कि 2 सप्ताह तक जो इंपोर्ट का बिल होता था उसके लिए भी इनसफिशियंट था। इसके अलावे 2 और कारण थे, इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आर्थिक सुधार अवधि के दौरान विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक, मोर देन 1, क्योंकि सही जवाब ए भी है, ए इज ऑल्सो राइट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो राइट। तो हुआ क्या है, कृषि विकास में गिरावट हो गई है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ तेज हो गई है। निम्नलिखित में से कौन एलपीजी सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स? सी द ऑप्शन केयरफुली, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ग्रेटर फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर तो रहा ही नहीं है, क्योंकि देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एलपीजी रिफॉर्म्स में थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। एल से होता है लिबरलाइजेशन, इसमें क्या है, जितने लाइसेंसिंग सिस्टम है भारत का, भारत सरकार का, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया। पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, इसमें नए फॉर्म को नेशनलाइज इंडस्ट्रीज में एंट्री मिली प्राइवेट फॉर्म्स को, तो वही है प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या है, जितने भी कोटा होते हैं, टेरिफ्स होते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टैक्स रहता है बहुत सारा, उसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, फ्री कर देती है, यानी मार्केट ओपन हो जाता है। एक कील के मुकाबले सुई से गैस से भरे गुब्बारे को फोड़ना आसान है, इसकी यह वजह है। इट इज इजी टू बर्स्ट ए गैस फिल्ड बैलून विद ए नीडल देन विद ए नेल, इट इज बिकॉज, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सुई गुब्बारे पर कील की तुलना में अधिक दबाव डालती है, नीडल एग्जर्ट मोर प्रेशर देन नेल ऑन बैलून। एक तैरता हुआ वस्तु हमेशा अपने डैश के बराबर तरल को विस्थापित करता है, ए फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेसेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भार, वेट। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज कोवेलेंट बॉन्ड्स? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और बाकी में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड होते हैं। NaCl में सोडियम क्लोराइड जो है उसमें कौन सा बॉन्ड है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। सेड्रस, जिसे देवदार कहा जाता है, किसका उदाहरण है? सेड्रस देवदार इज एन एग्जांपल ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो सीड होते हैं यानी जो बीज होते हैं वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं, यानी नेकेड सीड प्लांट होते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन शैवाल बेकरी और कृत्रिम विकास माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड इन बेकरी एंड एज ए आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम, यहाँ पे एन हो जाएगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक, मोर देन 1, बिकॉज सी इज ऑल्सो राइट, डी इज ऑल्सो राइट, जेलिडियम और ग्रासिलारिया। और ये जो नॉस्टॉक और क्लोरेला है, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक मोर देन वन, क्योंकि कोटा इज ऑल्सो राइट, ग्वालियर इज ऑल्सो राइट, कोटा भी है और ग्वालियर भी है। और ऑप्शन नंबर डी जो मथुरा है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने हाल ही में किस संयुक्त डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरेबिया हैव रिसेंटली लॉन्च्ड कॉमन डिजिटल करेंसी बाय विच नेम? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अबेर। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है? Which Indian player has won the title of Indonesia Masters 2019? The right answer is option number B, Saina Nehwal। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? What is India's rank in Global Corruption Perception Index 2018? The right answer is option number D, 78। बिहार सरकार ने छत पर 1 किलोवाट सौर प्लेट लगाने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान दिया, जिसका डेट अब खत्म हो गया है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार गेव व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रांट टू इंस्टॉल 1 किलोवाट सोलर प्लेट ऑन द रूफ? यहाँ जी छोटी होगी, ये मिस्टेक से बड़ी हो गई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 55%। और यह किस योजना के तहत किया गया? मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय रूफटॉप सोलर संयंत्र अधिष्ठापन योजना आवासी। बिहार के कृषि विभाग ने गंगा किनारे बसे कितने जिलों में जैविक खेती करने की योजना बनाई है? बिहार्स एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हैज प्लान टू मेक ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय गंगेज रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9। 4 फरवरी 2019 को कोयला मंत्रालय ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? On 4th February 2019, the Ministry of Coal has signed an MOU with which country? The right answer is option number E। इनमें से कोई नहीं, none of the above, क्योंकि सही जवाब पोलैंड है। हाल ही में किसे अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed the President of the African Union? The right answer is option number B, Abdel Fattah LCC, और ये इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। वैयक्तिक कानून संशोधन विधेयक 2018 किस आधार पर तलाक से संबंधित है? पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 इज रिलेटेड टू गेटिंग डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, क्योंकि अब कुष्ठ रोग के आधार पर डाइवोर्स ग्रांटेड नहीं होगी, क्योंकि ये डिजीज अब क्यूरेबल है, इसका इलाज संभव है, पहले इसका इलाज संभव नहीं था। सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड 2019 का आयोजन कहां किया गया? वेयर वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड 2019 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मैथिली भाषा अथवा मिथिलाक्षर के संरक्षण संवर्धन और विकास के लिए कहां पर पांडुलिपि केंद्र की स्थापना होगी? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिलीज्ड बाय द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वेयर विल बी द मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर बी सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन इनरिचमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली लैंग्वेज और मैथिली स्क्रिप्ट? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। आइए अब मैथ के सवालों को हल करते हैं। यह था पहला सवाल, इसका हल इस प्रकार से होगा। यह थी दी गई श्रेणी Z5T, W8Q और Q14K। तो देखिए यहां से 3 अंक पीछे गया है, यानी Z को यदि आप 26वां लेटर माने तो ये 23rd नंबर, यानी 3 माइनस हुआ है। फिर यहां से देखिए पैटर्न को समझिए, यहां पर 23 में से 6 माइनस कर देंगे तो 17वां लेटर जो है वो है क्यू, ठीक है? तो एक पैटर्न है, पहले 3 घटा फिर 6 घटा, इसका मतलब अब फिर 9 घटेगा, तो 17 में 9 घटाइए तो 8वां लेटर है एच, इसका मतलब यहां पर एच होगा। अब अंक को लेते हैं तो 5 था,
आठ हो गया, मतलब तीन बड़ा, फिर आठ से चौदह हो गया, छः बड़ा, इसका मतलब तीन पहले बड़ा फिर छः बड़ा, इसका मतलब उसके बाद अगला अंक नौ बढ़ेगा, तो चौदह में नौ जोड़ दीजिए, ये तेईस हो जाएगा। उसके बाद फिर लेटर को लेते हैं, टी था, टी है बीसवां लेटर, और फिर इसमें से तीन घटा तो सत्रहवां लेटर बना क्यू, तो फिर उसमें से उसके बाद छः घटा, यानी कि सत्रह में छः घटा दीजिए तो ग्यारह के हो जाता है, तो पहले तीन घटा फिर छः घटा, इसका मतलब फिर नौ घटेगा, तो ये ग्यारहवां लेटर था के, तो दूसरा लेटर, सेकेंड लेटर कौन सा है, ए के बाद बी, सेकेंड लेटर यहाँ पर बी हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा H23B। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H23B। दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न ये था, तो इसमें पूछा जा रहा है प्रसरण यानी रेंज, रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 18, मिनिमम वैल्यू कितना है 18, मैक्सिमम मिनिमम सभी तो 18 ही है, तो दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मॉक टेस्ट सीरीज नंबर चार, आपको मॉक टेस्ट सीरीज नंबर पाँच का सिलेबस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और सप्ताह भर इस पर वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए, और टोटल 14 टेस्ट सीरीज इसमें आएंगे, ये चौथा है, पूरे सिलेबस को बीपीएससी के होल सिलेबस को आपको कवर करा दिया जाएगा, डोंट वरी। और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो रविवार को आती है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, तो मिलते हैं रविवार को करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के अगले भाग में, टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।